हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हरियाली तीज और मैंने हरियाली तीज के लिए मैंने मेहंदी भी लगा ली है और साथ में मैं मतलब नहा धो के बिल्कुल तैयार तो नहीं हुई, बट अभी मुझे भोग मतलब भगवान जी के लिए प्रसाद बनाना है तो बाद में तैयार होगी। अभी मेरी गुड़िया सो रही है, पहले से बेहतर है वो कल से। और कल थोड़ा बहुत मैं हरियाली तीज का सामान लेके आई थी, वो मैं मतलब मार्केट नहीं जा पाई, मेरे घर के पास ही मार्केट है तो मैं वहीं से ले आई थी, क्योंकि मेरी गुड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इस वजह से, तो उस चीज़ का मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो अभी मैं सब्जी बनाऊँगी, तो मैंने अभी बॉयल की है और साथ में जो भी प्रसाद बनाऊँगी, तो बस मैं 21 पूड़ियाँ उतार रही हूँ अपने सासू माँ के लिए। हमारे में ना 21 पूड़ियाँ उतारी जाती हैं सासू माँ जी के लिए, तो वो 21 पूड़ी जो उतारी जाती है वो मीठी पूड़ी उतारी जाती है। और मैं साथ में खीर बना रही हूँ, क्योंकि खीर का भोग लगाना ज़रूरी होता है। हरियाली तीज में शिव शंकर भगवान जी और गौरा माँ की पूजा होती है, तो इस वजह से खीर का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पूड़ियाँ मेरी बन गई हैं सासू माँ जी के लिए, 21 पूड़ियाँ मीठी पूड़ी बनाती हैं ना, तो वो मेरी बन गई हैं। अब मैं बनाऊँगी सब्जी, सूखी सब्जी बनाऊँगी अरबी की, और थोड़े से आलू टमाटर मैंने बनाए हैं, वो मैंने पहले ही बना लिए हैं। और साथ में खीर बन रही है, खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पूड़ियाँ की तरफ सब्जी बना लेते हैं। खीर मेरी बन गई है, अब सब्जी भी मतलब लगभग बन गई है। अरबी की सूखी सब्जी बनाने में टाइम नहीं लगता ज़्यादा, तो बस ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स में सब्जी बन जाती है। मैं अरबी को मैश कर रही हूँ, सूखी सब्जी वैसे ही मैश करके ही अरबी की सब्जी बनती है, तो थोड़ा टाइम लग रहा था मैश करने में, हाथ दर्द हो गए थे करते करते। अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, पूजा मतलब जोत मैंने जगा ली है और साथ में जो भी मेरे को करना था वो मैंने कर लिया है, और फिर बस पूजा करने के बाद मंदिर जाएंगे। जैसे हमारे में हरियाली तीज में पूजा होती है उसी रीति रिवाज से मैं पूजा कर रही हूँ। अब मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ, जैसे हमारे में भोग लगाया जाता है वैसे ही भोग लगाऊंगी। ये इसको ना अज्ञानी बोलते हैं, उपला मतलब कि जो गोबर का जो उपला होता है ना उसके ऊपर हवन सामग्री छोड़ते हैं, और साथ में देसी घी भी छोड़ा जाता है। बस उसके बाद जो उपले को जला के फिर उसमें जो भी हम भोग बनाते हैं ना, तो उसमें छोड़ा जाता है। तो बस उसके बाद मैंने हमारे में हरियाली तीज में जो मैंने सर पे दुपट्टा ले रखा है ना, ये मेरा शादी का ही दुपट्टा है। तो कोई भी त्यौहार उसे करवा चौथ तो हरियाली तीज बड़ा मावस, तो हमें जो हम फेरे में जो दुपट्टा लेते हैं ना वही हमें चुनरी लेनी होती है। अब मेरे पतिदेव जी आ गए हैं माथा टेकने के लिए, मेरी बेटी ना मेरे बेटे के साथ है, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही है तो वो पूजा करने के लिए बिल्कुल भी आई नहीं, रो रही थी काफ़ी, तो इस वजह से मेरे पतिदेव जी और मैंने ही और मेरे बेटे ने माथा टेका है, बेटी ने नहीं टेका क्योंकि वो छोटी है, इस वजह से तबीयत भी ठीक नहीं है, तो शायद चिड़चिड़ी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अब हमारी पूजा फिनिश हो गई मतलब समाप्त हो गई, अब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ क्या कर रही है। पूजा समाप्त होने के बाद मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया, देखो कैसे प्यार कर रही है मुझे ये। मैंने अपनी बेटी को तैयार कर लिया है मम्मी के घर जाने के लिए, ये देखो मेरी बेटी बिल्कुल रेडी हो गई। फिर कहाँ जा रहे हो? नाना। नाना के पास जा रही है, बहुत एक्साइटेड है नाना के पास जाने के लिए। इसकी थोड़ी तबीयत डाउन थी तो नाना को अपने बहुत याद कर रही है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मिलवा लाते नाना से। वैसे भी हरियाली तीज है तो जाना था मिलने के लिए, तो इसलिए हम जा रहे हैं, मैं मेरी बेटी और पतिदेव जी। बेटा नहीं जाएगा क्योंकि उसके एग्ज़ाम है, तो उस वजह से उसको लेके नहीं जा रहे हम। पड़ेगा अभी मैंने इसके सर पे तेल नहीं डाला, तो कह रही मम्मी तेल तेल, मुझे याद दिला रही है
कि तेल डालो मेरे बालों में। तेल डाल दूं? तेल लगा दूं आपको? बिंदी 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 भी लगाएगी और तेल भी लगाएगी। पिंगी है। पार्टी में जाते हैं तो बिंदी लगा के जाते हैं और नानी घर जाते हैं तो तेल लगा के जाते हैं बालों में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं अपने बाबू को लेकर अपने घर के पास में ही पार्क है वहाँ लेके आई हूँ। और जो हमारा बड़ा वाला स्टेडियम है आज संडे है तो उस वजह से आज बंद है। और इसके साथ आज खेलने वाला कोई भी बच्चा नहीं है ग्राउंड में, तो बेचारी अकेली खेल रही है। वो बैट के ऊपर पैर रख के अकेली इंजॉय कर रही है। आज कोई भी बच्चा इसके साथ खेलने वाला नहीं है यहाँ पर। बुखार थोड़ा ठीक है इसका भी, तो बच्चे का मन थोड़ा घर में बोर दो दिन से घर के अंदर थी तो इस वजह से मैं थोड़ा ले आई घर के सामने ही पार्क है हमारे। थोड़ा मन बहल जाएगा इसका बच्चों को देख के। बच्चे सामने खेल रहे हैं फुटबॉल, वो बड़े बच्चे हैं। और ये जो स्टेज है यहाँ पे ना रामलीला होती है यहाँ पे। और यहाँ पे जहाँ पे पीहू पीयू खेल रही है यहाँ पे रामलीला होती है। रामलीला का स्टेज बना, ये रामलीला का स्टेज बना हुआ है। और सामने पार्क है, बस हम वहीं पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे बच्चे कितने मस्त खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरी बेटी इंजॉय कर रही है अकेली। मैं मम्मी के घर से आ गई हूँ और अभी बच्चे दोनों खेल रहे हैं बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ दोनों क्या मस्ती कर रहे हैं। मेरी बेटी के पास इसके पापा का फ़ोन है, फ़ोन भी नहीं दे रही वो। अभी देखती हूँ बाहर जाके ये दोनों क्या कर रहे हैं। खुल भी ना, क्या कर रहे हैं बेटू? कोरियोग्राफी कर रही है ये देखो। पीयू ब्लॉग बना रहे हो? भैया की फ़ोटो ले लो। टायर अपने से चला रही है। भैया बिल्कुल भी साइकिल छूने को नहीं कह रही। देखो मैं क्रिश को बोलती हूँ, क्रिश इसकी साइकिल छूना, कैसे लड़ाई करेगी उससे। ये छू दी साइकिल, देखो हटाएगी अपने से चलाएगी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अपने से चलाओ। घर के अंदर आने के बाद पीहू की मस्ती। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।